नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत सुना होगा, अगर समाज में एकता आ जाए उसी दिन समाज का विकास होना शुरू हो जाता है। अगर एकता के साथ कोई भी काम किया जाए तो दोस्तों बढ़िया होता है और किसी को झुका सकता है, यानी कि एकता में उतना दम होता है किसी को झुका सकता है, और ये चीज़ साबित हो चुका है। जिस चाइना से हम लोग परेशान हो चुके थे, चाइना के एप्लीकेशन से, चाइनीज मोबाइल से, दोस्तों चाइनीज एप्लीकेशन के लिए भारत में केवल एक ऐसा ऐप आया, केवल एक ऐप भारतीय इंजीनियर ने बनाया दोस्तों, वही ऐप चाइना में तहलका मचा दिया, पूरे चाइना में हरकम मचा दिया। चाइना के जो ग्लोबल टाइम्स मीडिया है, तो सब जानते हैं सरकारी मीडिया है, वहाँ तक मिर्ची लग गया, यानी कि चाइनीज सरकार तक दोस्तों उस एप्लीकेशन के बारे में पता चल गया। अब जानते हैं, आज से महज 15 दिन पहले एक ऐप आया था भारत में, जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप, यानी कि चाइना का जितना भी एप्लीकेशन है सबको एक ही साथ उड़ाना है, डिलीट करना है मोबाइल से। तो आप प्ले स्टोर पर जाते और वहाँ पर रिमूव चाइनीज ऐप दोस्तों इंस्टॉल करते, और आप एक ही साथ आप सबको उड़ा सकते थे। आप बोलेंगे कि ऐसा ऐप क्यों आया? देखिए दोस्तों, बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन था पहले कि आखिरकार चाइनीज ऐप कौन है, इंडियन ऐप कौन है, अमेरिकी ऐप कौन है। इसीलिए भारतीय इंजीनियरों ने भारत की जो जनता है दोस्तों, उसका मन का बात समझते हुए, अब जानते हैं बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन होता है आखिरकार चाइनीज कौन है, इसीलिए चाइना का जितना भी ऐप है इंडिया में सबको इस ऐप के अंदर डाला था, और एक ही क्लिक से सबको आप डिलीट कर सकते थे। इतना बढ़िया ऑफर था, और इसीलिए चाइना में हरकम मचा था, और चाइना सरकार प्ले स्टोर को दोस्तों पैसा दिया, आप जानते हैं पैसा दे के प्ले स्टोर को खरीद के उस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया। यानी कि दोस्तों केवल 15 दिन के भीतर में वो ऐप दोस्तों पूरा भारत में प्रचलित हो गया था, फेमस हो गया था, और 15 दिन के भीतर में दोस्तों भारत में कम से कम 60 लाख से अधिक आदमी डाउनलोड कर लिया था। 60 लाख आदमी दोस्तों, इस ऐप का कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, बिना किसी प्रमोशन का 60 लाख यानी कि 6 मिलियन डाउनलोड एक खास रुपये 15 दिन के भीतर में, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी कारण से भारतीय यूजर ने चाइनीज एप्लीकेशन को लाखों की संख्या में दोस्तों उड़ा के रख दिया, और चाइना को जोरदार झटका दे दिया। और दोस्तों इन सब के अलावा आप जानते हैं बॉर्डर पर जो समस्या बन रहा है, चाइना अब बॉर्डर पर भी झुक गया है। ये तो दोस्तों एप्लीकेशन की बात हुआ, एप्लीकेशन के सामने चाइना झुक गया, प्ले स्टोर को खरीद लिया। अब यहाँ पर चाइना अब बॉर्डर पर भी झुक चुका है, और दोस्तों लद्दाख की सीमा से चाइना कम से कम 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, 2 किलोमीटर चाइनीज फोर्स पीछे चला गया है। जो चाइना केवल 2 दिन पहले तक ये कह रहा था कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, पूरा गलवान घाटी मेरा है, दोस्तों गलवान घाटी से कम 2 किलोमीटर पीछे जाके चाइना ने ये दिखा दिया है कि अब हम भारत से युद्ध लड़ने के लिए काबिल नहीं हैं, भारत सचमुच में सुपर पावर है, भारत से युद्ध लड़ेंगे तो केवल मेरा विनाश होगा। दोस्तों भारत ने पूरी दुनिया को अब संदेश दे दिया है कि चाइना से डरना नहीं है, चाइना से लड़ो, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं चाइना का जो रवैया है, केवल दूसरे को धमकाते रहो और उसे दबाते रहो। लेकिन दोस्तों भारत ने जो करा रुख अपनाया ना, चाइना को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और पहली बार चाइना 2 किलोमीटर पीछे गया है। ये दोस्तों ये ऐतिहासिक क्षण है, आज तक कभी चाइना किसी देश के पीछे नहीं गया है, लेकिन पहली बार भारत के सामने में सरेंडर किया है, 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, और बोला है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। और ख़ास तौर पर चाइना के जो विदेश मंत्री है, चाइना के जो राजदूत है भारत में, सब बार बार कह रहा है कि भारत मेरा सच्चा मित्र है, हाथी और ड्रैगन दोनों साथ दौड़ सकता है, नाच सकता है। यानी कि दोस्तों चाइना को अब उसका औकात दिख गया है। इन सब के अलावा भारत के पास दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा मौका है, भारत चाहे तो केवल एक कदम उठाएगा और तिब्बत को आज़ाद करवा सकता है, अक्साई चीन को छीन सकता है, इन सब के अलावा चाइना को पूरी दुनिया से अलग थलग कर सकता है। दोस्तों बहुत बड़ा मौका है। इन सब के अलावा भारत चाहे तो ताइवान को हमेशा के लिए एक अलग देश बनवा सकता है, भारत चाहे तो हांगकांग को एक अलग देश बनवा सकता है, चीन को खंड खंड में तोड़ सकता है, चीन को पूरी दुनिया के सामने में झुका सकता है, अलग थलग कर सकता है। इसीलिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत का समर्थन पूरी दुनिया कर रहा है, और चीन के खिलाफ सब आज मोर्चा खोला हुआ है, चाहे ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, सब दोस्तों, यहाँ तक कि रसिया भी अब भारत का समर्थन कर दिया है, और रसिया भी दोस्तों अब मोदी जी के हर से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है, यानी कि पुतिन भी अब ओपनली बोल रहा है कि हम भारत के साथ है। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना के लिए सबक है, चाइना जान रहा है कि अगर केवल हम भारत से युद्ध करते हैं तो इस समय ये युद्ध भारत से नहीं होगा, ये युद्ध हम पूरे दुनिया से लड़ेंगे, क्योंकि पूरे दुनिया आज हमारे पीछे पड़ा हुआ है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ब्रिटेन जैसा देश, जो कभी कहता था कि भारत सपेरों का देश है, गरीबों का देश है, यहाँ पे किसान मजदूर है, दोस्तों उसने भारत का तारीफ किया और बोला कि हम लोग चाहते हैं कि D10 ग्रुप बनाए, यानी कि डेमोक्रेसी
तीन ग्रुप बना जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोकतंत्र देश रहे, जिसमें भारत भी रहे, और हम लोग मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे, हुवावे कंपनी को काउंटर करेंगे, 5G जो चाइनीज है पूरे दुनिया में हम लोग विस्तार ना होने देंगे, उसे पूरे दुनिया से उसे गायब करेंगे, फेंकेंगे। इसीलिए दोस्तों D10 ग्रुप बनाने का प्रपोजल रखा है और अनाउंस किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना भारत के दोस्तों ये संभव नहीं है, ये बात ब्रिटेन खुद बताया है, बोला है कि भारत इसमें आना उसे ज़रूरी है। इन सब के अलावा दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली मोदी जी से बातचीत हुआ है, उसे फ़ोन किया है, और मोदी जी को दोस्तों खासतौर पे G7 ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों इनवाइट किया है, बोला है कि आने वाले समय में G7 का मीटिंग होगा, उस मीटिंग में खासतौर पे भारत को जोड़ा जाएगा। और दोस्तों G7 में अब भारत भी एंट्री लेने वाला है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। आप कह सकते हैं G7 ग्रुप में चीन को छोड़कर दुनिया के तमाम आर्थिक महाशक्तिशाली देश है, अब इसमें भारत एंट्री होने वाला है, और सबका मकसद केवल चाइना को बर्बाद करना होगा। दोस्तों इन सब के अलावा चाइना में ही शी जिनपिंग के खिलाफ सड़क पर लोग उतर चुका है, और शी जिनपिंग को दोस्तों हाय हाय कर रहा है, बोल रहा है ये बंदा अधिक दिन अगर चाइना का राष्ट्रपति रहा तो चीन को डुबा देगा। और दोस्तों यहाँ तक कि शी जिनपिंग के फैमिली में दोस्तों अब विवाद खड़ा हो चुका है। और दोस्तों आने वाले समय में देखेंगे आप जिस तरह से महाथिर मोहम्मद का सत्ता गया था मलेशिया में, दोस्तों उसी प्रकार से कुछ दिन बाद देखेंगे चाइना से शी जिनपिंग का सत्ता का दोस्तों विदाई होने वाला है, और वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। और इसीलिए जिनपिंग को डर लग रहा है कि अगर एक गलती हम भारत से करेंगे, युद्ध करेंगे, तो इस बार अक्साई चीन भी जाएगा, तिब्बत भी जाएगा। दोस्तों चलिए बताता हूँ कि आखिरकार तिब्बत कैसे जाएगा। देखिए दोस्तों आप जानते हैं आने वाले समय में अगर चीन से जो युद्ध होगा, आप जानते हैं दोस्तों इस युद्ध में कोई टैंक का कोई काम पड़ेगा नहीं, आप जानते हैं ना कोई टैंक का काम पड़ेगा ना कुछ। दोस्तों ये पहाड़ी युद्ध है, हिमालय में युद्ध होगा। हिमालय में कैसे युद्ध होगा? हिमालय में दो ही तरीका है, एक तो सैनिक से युद्ध होगा, सैनिक लड़ेगा, दूसरा तरीका है एयरफोर्स लड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे नेवी का कोई काम नहीं है, नेवी अगर लड़ सकता है तो हिंद महासागर में लड़ेगा, लेकिन अधिकांश युद्ध होगा तिब्बत के इलाकों से, हिमालय से होगा। तो अगर हिमालय से युद्ध होता है दोस्तों, उस युद्ध में भारत चीन को ज़बरदस्त तरीका से हरा सकता है, क्योंकि भारतीय सैनिक दोस्तों इतना मजबूत है और कई बार युद्ध लड़ चुका है। हिमालय में दोस्तों चीन से 2-3 बार युद्ध लड़ चुका है। इन सब के अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर में जब दोस्तों कारगिल का युद्ध हुआ था, आप जानते हैं 1999 में वही दोस्तों पहाड़ी युद्ध हुआ था, उस युद्ध में किस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादी को, पाकिस्तानी सैनिक को धूल चटाया था। इन सब के अलावा दोस्तों खासतौर पे पहाड़ पे यानी कि माउंटेन में जो युद्ध करने की क्षमता है ना, दुनिया में सबसे अधिक क्षमता भारतीय फौजी में है, और इसीलिए कई बार अमेरिका का, रूस का कई सारे सैनिक यहाँ पे ट्रेनिंग करने आता है, इसराइल का सैनिक भारत में ट्रेनिंग करने आता है खासतौर पे पहाड़ी इलाका में युद्ध करने के लिए। तो दोस्तों आप कह सकते हैं अगर युद्ध होता है तो समझिए एक तरफा भारत का जीत मिलेगी और यहाँ पे चाइना का नाक कट जाएगी, ये बात चाइना जानता है। अब रही बात एयरफोर्स का, तो दोस्तों एयरफोर्स दोनों देश के बीच में लगभग लगभग बराबर है, जितना चाइना के पास है उससे थोड़ा कम भारत के पास है। और आप समझ सकते हैं चाइना के पास खुद का एयरफोर्स है, यानी कि खुद के द्वारा बनाया हुआ कई सारे फाइटर प्लेन हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारत के पास दुनिया के तमाम देश का फाइटर प्लेन है। जैसे आप समझ सकते हैं रसिया का दोस्तों फाइटर प्लेन है, अमेरिका का दोस्तों फाइटर प्लेन है, फ्रांस का राफेल है, दोस्तों दुनिया के तमाम देश का हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन है। आप कह सकते हैं कि भारत के पास मिक्सचर है, भारत का जो एयरफोर्स है कभी फेल हो ही नहीं सकता है, यानी कि दुनिया के तमाम बड़ा बड़ा तकनीक है ना, बड़ा बड़ा एडवांस फाइटर प्लेन है दोस्तों, खासतौर पर अमेरिका का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है दोस्तों, रसिया का मिग है दोस्तों, इन सब के अलावा राफेल हो गया, जो भी है दोस्तों सब अपने आप में एक बेहतर है और चीन को हराने के लिए काफ़ी है। चीनी हेलीकॉप्टर दोस्तों पूरे दुनिया को पहले से सका कि अगर युद्ध होगा तो चीनी हेलीकॉप्टर हिमालय में लड़ ही नहीं सकता है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े थिंक टैंक का कहना है कि कभी भी युद्ध हो तो चीनी एयरफोर्स भारत के सामने में टिक नहीं सकता है, क्योंकि उसका इंजन बेहद ही खराब होता है और चीनी जेट का, फाइटर प्लेन का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ गिर जाए। जिस प्रकार से चीनी मोबाइल होता है उसी प्रकार से चीनी फौज है, और उसी प्रकार से चीनी जेट है, चीनी जो फाइटर प्लेन सब कुछ उसी प्रकार से हैं, भारत से कोई तुलना ही नहीं है दोस्तों, इस तरह का कई बार थिंक टैंक ने चर्चा कर चुका है। इन सब के अलावा आप जानते हैं दुनिया की चौथी शक्तिशाली देश भारत है, और दोस्तों नंबर 3 पर चीन है, तो आप समझ सकते हैं अगर दोनों देश अपना पूरा पावर लगा दे तो समझिए घमासान युद्ध होगा, और यहाँ पे दोस्तों किसी का हार किसी का जीत नहीं हो सकता, ये श्योर है। हाँ अगर किसी देश को पूरी दुनिया समर्थन कर दे तो एक देश को हारना पड़ेगा, जैसे दोस्तों इस केस में भारत का समर्थन पूरी दुनिया करेगा तो चीन को हारना पड़ेगा,
हारना उसका मजबूरी है, अगर नहीं हारेगा तो उसे परमाणु युद्ध करना होगा। और दोस्तों अगर चीन परमाणु युद्ध करता है तो समझिए समूचा चीन का विनाश हो जाएगा, भारत में दोस्तों बहुत क्षति होगा। इसीलिए परमाणु युद्ध का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ पे जिस देश का पूरी दुनिया समर्थन करेगा वही जीतेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों देश पावरफुल है, कोई हारने वाला है नहीं, केवल प्रेशर से हराया जा सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका खुलेआम कह दिया है कि अगर मिलिट्री एक्शन कोई भारत चीन पर लेता है, कोई भी सैनिक कार्रवाई करता है, तो उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और यहां तक दोस्तों अमेरिका सैनिक मदद करने के लिए भी अब तैयार हो चुका है, अमेरिका अब आर या पार करने के मूड में है। तो इसीलिए चीन को लग रहा है कि ये युद्ध अगर होगा तो भारत निश्चित, जिस प्रकार से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग कर दिया था उसी प्रकार से भारत अब की बार तिब्बत को चीन से अलग कर देगा और अक्साई चीन को हमेशा के लिए छीन लेगा। और दोस्तों इसीलिए चीन आज 2 किलोमीटर पीछे गया है और चीन को डर लग रहा है कि अगर भारतीय जनता जिस प्रकार से चीन के खिलाफ बोल रहा है, सड़क पर उतर रहा है, बायकॉट चाइना कर रहा है, अगर उसी रफ्तार से भारतीय जनता जागरूक होते रहे तो आने वाले समय में भारत से हमारा सारा प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बिकना बंद हो जाएगा। और दोस्तों इसीलिए चीन के जो खासकर बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े ऑफिसर है, बड़े बड़े इंजीनियर है, सब ने मिल के आप कह सकते हैं प्ले स्टोर पर कई सारे रिपोर्ट किया, कुछ बहुत कुछ किया, और दोस्तों इनके अलावा प्ले स्टोर को ख़रीदा और तब जाके भारतीय एप्लीकेशन यानी कि रिमूव चाइना एप्लीकेशन को दोस्तों ऐप को वहाँ से डिलीट करवाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय एकता पावर में कितना दम है। भारतीय एक बार केवल एकता दिखाया और केवल 60 लाख लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसी में चीन का होश उड़ा हुआ है। दोस्तों भारत में 1 अरब 30 करोड़ से अधिक आदमी हैं, अगर केवल 50 करोड़ आदमी दोस्तों जागरूक हो जाए तो समझिए चीन का क्या होने वाला है।